दोस्तों असली शहद की खेती तो ये चाइना वाले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी खेती करने का तरीका ही अलग है। आप लोग देख सकते हो कि जगह जगह पर ये गोल सा पाइप बना होता है और इस पाइप के अंदर 6 से 7 लेयर बनी होती है और इसी लेयर के ऊपर मधुमक्खियाँ आकर अपना छत्ता लगाती हैं और फिर इस छत्ते में शहद बनती है और इसी शहद को मिक्स करके ये लोग अलग अलग देशों में भेज देते हैं।